हेलो दोस्तों, मैं इंदुभूषण कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एस्प्रिंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको बिहार लोक सेवा आयोग व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल, जो आज ही PPSC द्वारा प्रकाशित किया गया है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये परीक्षा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये परीक्षा 27/9/2022 को पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पे आयोजित की गई थी और इसमें टोटल 1756 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की और उसके उपरांत टोटल 388 सफल उम्मीदवारों की परीक्षाफल रोल नंबर वाइज लेफ्ट टू राइट आज बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रकाशित कर दी है। तो मैं सबसे पहले दोस्तों आप सबों को तहे दिल से इस एग्ज़ाम की सफलता के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इन एग्ज़ामों में सफलता पाने के लिए बहुत प्रयास किया होगा, क्योंकि आज के कठिन दौर में कोई भी एग्ज़ामिनेशन पास करना अपने आप में बहुत ही कठिन चुनौती है। तो दोस्तों, चलिए मैं इस पूरे डिटेलिंग को आपको बताता हूँ, आप हमारे वीडियो में बने रहें और अगर आपको वीडियोस में कुछ भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्रमांक है ये लेफ्ट टू राइट दिया गया है, 430025 पहला रोल नंबर है, 430046 सेकेंड है, 430058749514 ये सारे रिजल्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप ये रिजल्ट देख सकते हैं, कुछ रोल नंबर इसमें कंटिन्यूड भी है, जैसा कि आप देखें ये 430225 34 और 35, मतलब ये कंजिक्यूटिव 34 और 35 इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 25256 का लगातार सिलेक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप आगे देखें, इसमें और भी रोल नंबर है जो कंटिन्यूड है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए 20 और 23 इसका कंटिन्यूड रोल नंबर है। तो इस तरह से ये रिजल्ट्स दिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, ये आपके अपने प्रयास का नतीजा है कि आपने सफलता पाई है। ये सारे रोल नंबर देखिए आप, ये सारे रोल नंबर हैं जो BPSC ने आज ही परीक्षाफल में प्रकाशित किया है और ये उन सफल उम्मीदवारों की सूची है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लेक्चरर बिहार लोक सेवा आयोग की रिटर्न के एग्जामिनेशंस क्वालिफाई किए। दोस्तों, इसमें आपको पता है कितनी सीटें हैं, इसमें अराउंड 117 सीटें हैं और उसके उपरांत ये परीक्षाफल घोषित किया गया है। अराउंड 3 टाइम्स ये रिजल्ट है और फिर अभी आपकी शीघ्र ही इंटरव्यू की परीक्षा भी ली जाएंगी और फिर आपको फाइनली सफल घोषित किया जाएगा। दोस्तों देखिए, इन्होंने ये लिखा है कि अगर आप कि किसी तरह की लिपिया एवं टंकन में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसमें परीक्षा फल का संशोधन हो सकता है, मतलब टाइपिंग एरर को इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरी क्या चीज़ें हैं आप देखिए यहाँ पे, इसमें टोटल जो है जनरल कैटेगरी की 163 रिजल्ट दी गई है, उसके बाद EWS के अंतर्गत 42 रिजल्ट दिए गए, उसके बाद अनुसूचित जाति के टोटल 60, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 3 और उसके बाद टोटल OBC के अंतर्गत देखिए इसमें 43। और दोस्तों देखिए, इसमें जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए टोटल 63 रिजल्ट जारी किए गए। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं कि उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों में अनारक्षित कोटि के अंतर्गत 163, आर्थिक रूप से कमजोर कोटि के अंतर्गत 42, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 60, जनजाति के अंतर्गत 3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 63 और पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 43 और पिछड़ा वर्ग महिला कोटि के अंतर्गत 14, मतलब कुल जो है यहाँ पे 388 सफल उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है।
और ये रिजल्ट आज ही पब्लिश किया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू। तो मैं फिर से एक बार उन सफल उम्मीदवारों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड किसी भी सुझाव या परामर्श की आवश्यकता हो तो आप हमें ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही एक सघन जांच की प्रक्रिया है। मतलब आपके पास वक्त कम होता है और उन्हीं कम वक्तों में आपकी पूरी पर्सनालिटी को इंटरव्यू बोर्ड को एसेस करना होता है। मतलब ये कि एक इंटरव्यू बोर्ड के सामने जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपके पास ज़्यादा वक्त होता नहीं है, और उन कम वक्तों में आप अपने व्यक्तित्व को किस तरीके से निखार पाते हैं, इन्हीं का काम है, इन्हीं का नाम है इंटरव्यू। मतलब आपको 10 से 15 मिनट के अंतर्गत जितने भी सवाल पूछे जाएं, उनके सही जवाब, सवाल के जवाब देने के तौर तरीके, खुद को प्रेजेंटेबल बनाना, ये सारी चीज़ें इसमें मायने रखती हैं। मैं आपको एक दो सुझाव देना चाहूँगा, अगर आप इंटरव्यू में आने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। आप कम से कम 2 या 3 विषय की पूर्ण जानकारी के साथ इंटरव्यू में उपस्थित हों। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं तो आपके जो स्पेशलाइजेशन है उसके हिसाब से आप उनकी तैयारी करें। अगर आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हैं तो कम्युनिकेशन की करें, आप सैटेलाइट के एक्सपर्ट हैं सैटेलाइट में करें, अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की करें, नेटवर्क की करें, कंट्रोल की करें, जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है उनकी तैयारी आप ज़रूर करें। मैं पुराने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूँ कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि अभी आपने किस विषय की तैयारी करके आप इंटरव्यू के लिए आए हो, और आपने उसके सारे जवाब दे दिए जो भी आपने विषय उनको बताया है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और सलाह दूंगा कि जो इंटरव्यू बोर्ड की जो परीक्षा होती है, जो साक्षात्कार होता है, ये बहुत ही बेसिक्स होता है, आपसे बहुत ही बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, और अगर आप बेसिक सवाल में उलझ जाएंगे तो शायद आगे का रास्ता आपके लिए कठिन हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि जो भी पढ़ें आप समझ के पढ़ें, कॉन्सेप्चुअली पढ़ें, अच्छी किताब से पढ़ें, किसी नोट्स बुक का सहारा ना लें, और अगर हो सके तो आप एक दो मॉक इंटरव्यू भी ज़रूर अटेंड करें। और अपने इंटरव्यू के लिए आप खुद के नोट्स बनाएं कि अगर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो आप उनमें ये देखें कि इनके प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हैं, उन सवाल को आप स्वयं से पूछें, स्वयं उनका जवाब बताएं, दोस्तों को उन सवाल का जवाब बताएं, एक अच्छे माहौल में इनकी तैयारी करें। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मौका है आप उन सबों के लिए जिन्होंने इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है, क्योंकि 388 बच्चे जिन्होंने भी ये सफलता पाई है, होना तो सबका नहीं है, होना तो इसमें 120 या 25 बच्चों का ही है, लेकिन क्या पता उनमें से आप एक हों। तो इसकी तैयारी बहुत ईमानदारी से कीजिए, अपने विषय का चयन भी बहुत विवेक के साथ करें, पेशेंटली तैयारी करें, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर इसकी डेट इंटरव्यू की प्रकाशित कर दी जाएंगी। और जहाँ तक कट ऑफ को लेके बात है, तो अब जब तक कट ऑफ ऑफिशियली जारी ना हो कुछ भी कहना एक संयोग मात्र होगा। जो मुझे दोस्तों से पता चला है उनसे मैं ये कह सकता हूँ आपको, अगर आप EWS कैटेगरी के हैं और अगर आपने 23 से 24 नंबर लाया है, अगर आपके 23 से 24 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 40, तो आपको सफल घोषित कर दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपने 25 एंड एवम नंबर लाया है तो आपको सफल घोषित किया गया है। अगर आप EBC कैटेगरी के हैं तो आपके 20 नंबर के आसपास सफल घोषित किया गया है, और अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो अगर आपके 22 से 24 नंबर हैं तो आपको सफल घोषित किया गया है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि एक बहुत ही सुखद परीक्षा फल है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने एग्जामिनेशन की प्रक्रिया पूरी की है, बस ये आपके लिए एक नया रास्ता बना है, आप उस पर ईमानदारी से प्रयास करें। और मैं यकीन के साथ कहूँ कि अगर आपका प्रयास ईमानदार होगा तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। मेहनत आपके हाथ में है, सफलता मिलना या ना मिलना वो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर आपके प्रयास में ही ईमानदारी नहीं होगी तो आप सफल होने की कल्पना नहीं कर सकते।
तो वीडियो को बिना लंबा किए मैं आपको फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। और अगर आपकी मेरी मदद से अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ सुखद बदलाव हो सकता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूँगा। और मैं आपकी अग्रिम बधाई की तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। आपको अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमारे इस वीडियो को ऐसे ही लाड़ प्यार देते रहें। मैं आपके लिए इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियो आगे लाता रहूँगा। इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।